हेलो माय डियर फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे चैनल अनीता टैरो गाइडेंस में। आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, सबसे पहले मैं आप सबका शुक्रिया अदा करूँगी कि आप मेरे वीडियोस को पसंद कर रहे हैं, मेरी रीडिंग्स को पसंद कर रहे हैं और मुझे बता रहे हैं कि ये मैसेजेस आपसे रेजोनेट हो रही है। तो इससे मुझे बहुत ज़्यादा खुशी मिल रही है और मैं आपको थैंक्स बोलना चाहती हूँ कि आप मुझे पॉजिटिव कमेंट्स कर रहे हैं, ठीक है ना। सो आई एम वेरी हैप्पी एंड वेरी वेरी थैंकफुल टू ऑल द व्यूअर्स ऑफ माइन। थैंक यू सो मच। सो दोस्तों, आज की एक नई पिका कार्ड रीडिंग है और इस पिका कार्ड रीडिंग व्हाट योर पर्सन इज करेंटली फीलिंग अबाउट यू। आप जिनके बारे में सोच रहे हैं या फिर जो आपकी पर्सन है, ठीक है ना, ये पर्सन आपके एक्स हो सकते हैं, आपके लवर हो सकते हैं, आपके हस्बैंड, आपके वाइफ, आपकी ट्विन फ्लेम और सोलमेट भी हो सकते हैं, वो आपके बारे में क्या सोचते हैं, ठीक है। आपकी रिलेशनशिप की क्या सिचुएशन है, उसकी सच्चाई क्या है, ठीक है ना। आप जो सोच रहे हैं कि आपके पर्सन भी आपके बारे में वही सोचते हैं, ठीक है। इस रीडिंग में हम इस चीज़ को देखेंगे पूरे डिटेल्स में, ठीक है। तो आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि इस रीडिंग को पूरा देखिए सो दैट आपको पूरी मैसेजेस समझ में आए। जब आप आधी रीडिंग देखते हैं और आधी को छोड़ देते हैं तो डेफिनेटली आपको आधी बात ही समझ में आएगी दोस्तों, ठीक है। तो इस रीडिंग को पूरा देखिए सो दैट आपको पूरी मैसेजेस मिल जाए। और ये एक जनरल रीडिंग है दोस्तों, तो जो मैसेज आपसे रेजोनेट होती है उसे रखिएगा और जो नहीं होती है उसे छोड़ दीजिएगा। और इसे आप मेल फीमेल किसी भी जेंडर के आप इसे देख सकते हैं अपने पर्सन के लिए। इट इज़ अ टाइमलेस रीडिंग, किसी भी मंथ किसी भी ईयर देख रहे हो ये वैलिड है, ठीक है। अगर आप मुझसे प्राइवेट रीडिंग लेना चाहते हैं विच इज़ अ पेड रीडिंग, तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं थ्रू माय मेल जो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी मैसेज कर सकते हैं, वहाँ पे भी फॉलो कर सकते हैं, उसकी भी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आप चेक कर लीजिएगा, ठीक है। तो आज के लिए मैंने दो पाइल्स रखे हैं आपके सामने। पाइल नंबर 1 है ये पाइल नंबर 2 है। आपको जो भी अट्रैक्ट कर रही हो उसे आप पहले आँख क्लोज कर ले कुछ सेकंड्स के लिए, फिर ओपन करें और फिर इन दोनों को देख। फर्स्ट वाली है गोल्डन लाफिंग बुड्ढा एंड सेकंड वाली है ग्लास लाफिंग बुड्ढा, ठीक है। तो आपको दोनों में से जो भी अट्रैक्ट कर रही हो आप उसे सेलेक्ट कर ले और फिर अपने टाइम स्टैम्प्स को कमेंट सेक्शन में चेक कर ले, वहाँ पे मैं दे दूँगी और अपनी रीडिंग को फिर देखे, ठीक है। सो आप अच्छे से वीडियो को पॉज कर ले और फिर इन दोनों में कंसंट्रेट करके देख ले बढ़िया से, उसके बाद सेलेक्ट करें, ठीक है। सो हम मिलते हैं आपकी रीडिंग में। हेलो पाइल नंबर 1, जिन्होंने इस गोल्डन वाली लाफिंग बुड्ढा को सेलेक्ट किया है ये आपकी रीडिंग है, ये पाइल नंबर 1 है। तो चलिए हम देखते हैं कि आपके पर्सन, आपके एक्स, आपके लवर, आपके हस्बैंड या वाइफ, जिनके लिए भी आप ये रीडिंग देख रहे हो, वो आपके बारे में कैसा फील करते हैं, वो आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, आपकी रिलेशनशिप की ट्रुथ क्या है, ठीक है। तो चलिए हम देखते हैं दोस्तों। दिस इज़ अ जनरल रीडिंग, सो जो मैसेज आपसे रेजोनेट करती है उसे रखिए, रेस्ट को जाने दें। आप मेल फीमेल किसी भी जेंडर के हो आप इसे देख सकते हैं, टाइमलेस रीडिंग है ये दोस्तों। आप मुझसे अगर पर्सनल रीडिंग बुक करवाना चाहते हैं तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं या मेरे मेल पे मैसेज कर सकते हैं। आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं जिसकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, आप मुझसे वहाँ से कॉन्टैक्ट कर ले, ठीक है। सो चलिए आपकी रीडिंग स्टार्ट करते हैं। पहले मैं टैरो डेक से देख लूँगी फिर और भी कार्ड से देखते हैं। फर्स्ट इज किंग ऑफ पेंटिकल्स, वी हैव 9 ऑफ सोर्ड्स एंड देन वी हैव स्ट्रेंथ कार्ड, वी हैव जस्टिस कार्ड, वी हैव किंग ऑफ कप्स, वी हैव 6 ऑफ वैंड्स, वी हैव एम्परर एंड देन वी हैव 8 ऑफ वॉन्ड्स, ओके। दोस्तों मुझे लग रहा है कि आपके पर्सन जिनके लिए आप ये देख रहे हो वो टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन हो सकते हैं, एरीज, लियो, सैजिटेरियस भी उनकी जोडियक साइन हो सकती है। आप लोग हो सकता किसी एयर साइन के हो, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस या फिर आप लोग लियो भी हो सकते हो, वाटर साइन के भी हो सकते हो, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, ठीक है। तो ये सारे जोडियक साइंस मुझे यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। एंड मैं आपको बता दूं कि आप जिस भी पर्सन के बारे में देख रहे हो ना, उनकी पर्सनालिटी मुझे ऐसी नज़र आ रही है वो एक मच्योर मैन या मच्योर वुमेन हो सकते हैं, ठीक है। मच्योर इन द सेंस कि उनकी या तो एज भी ज़्यादा है, ठीक है ना। कुछ लोग यहाँ पे मुझे ऑलरेडी मैरिड पर्सन भी दिख रहे हैं जो अपने वाइफ या हस्बैंड के लिए इस रीडिंग को देख रहे हैं, ठीक है। तो हो सकता है आप मैरिड हो और अपने मैरिड लाइफ के लिए देख रहे हो कि आपके वाइफ या हस्बैंड क्या सोचते हैं आपके बारे में, मुझे ऐसा फील हो रहा है, ठीक है, कुछ लोगों के लिए ये मैं बता रही हूँ। लेकिन कुछ लोगों के लिए मुझे ये भी लग रहा है कि आप किसी रिलेशनशिप में हैं और तब उस चीज़ के लिए ये देख रहे हैं, ठीक है। जो भी है आपके पर्सन जो है ना वो मुझे काफ़ी ज़्यादा मच्योर उनसे वाइब आ रही है, मतलब हो सकता है
उनकी जो फीलिंग्स है, ठीक है, उनका जो थॉट प्रोसेस है वो किसी न किसी तरह से एक मच्योर लेवल का होगा, ठीक। मतलब चाइल्डिश या फिर हम कह सकते हैं इमैच्योर एनर्जी आपके पर्सन में मुझे नज़र नहीं आ रही है, ठीक है। काफ़ी ज़्यादा आपके पर्सन हार्ड वर्कर होंगे, ठीक है, और घर से बहुत ज़्यादा लगाव होगा, मेल फीमेल कोई भी हो, ठीक है ना, घर से लगाव होगा, परिवार से बहुत ज़्यादा लगाव होगा, लेकिन थोड़े से एरोगेंट भी नज़र आ रहे हैं मुझे, ठीक है, एरोगेंट नज़र आ रहे हैं खुद के बारे में और खुद के परिवार के बारे में सोचना, ठीक है, विच इज़ अ गुड थिंग, बट थोड़े से एरोगेंट नज़र आ रहे हैं, हो सकता है सबसे खुल के बातें ना करते हो, ठीक है, आई थिंक आप समझ रहे हो मैं क्या बोलना चाह रही हूँ, पर फैमिली को लेकर आपके पर्सन सीरियस रहते होंगे, मुझे ये फील हो रहा है विद द नाइन ऑफ सोर्ट्स कार्ड हियर, मुझे ये फील हो रहा है दोस्तों कि आप में से बहुत सारे लोग अपने पर्सन के साथ सेपरेशन में हैं और काफ़ी ज़्यादा उस बात को सीरियसली ले रहे हैं, बहुत टेंशन हो रही है आपको अपने पर्सन को लेके कि आप कि उनसे कैसे झगड़ा हो गई, लड़ाई हो गई, आप बहुत ज़्यादा टेंशन में हैं, बहुत ज़्यादा रातों को सोच रहे हैं, बहुत एंजाइटी फील हो रही है, डिप्रेशन फील हो रही है, मुझे बहुत सारे लोगों को ये भी लग रहा है कि आपको गिल्ट है, शायद आपने ऐसी कोई बात कह दी है अपने पर्सन को जिसके लिए आपको काफ़ी ज़्यादा अफसोस हो रहा है, जिसके लिए आप काफ़ी ज़्यादा अभी डिस्टर्ब फील कर रहे हैं। कुछ लोगों के लिए मुझे ये भी फील हो रहा है जो ऑलरेडी मैरिड है, आपको अपने पर्सन की कोई बात मन में चुभ गई है लेकिन आप उस बात को अपने पर्सन को नहीं बता रहे हो, बट अंदर ही अंदर आपको वो बात बहुत ख़राब लग रही है, बहुत दुख पहुँचा रही है, मुझे ये भी फील हो रहा है, ठीक है। यानी अभी आप जिस भी पर्सन के लिए रीडिंग देख रहे हो आपकी उनके साथ जो हैप्पी मोमेंट वाली टाइम होती है वो नहीं चल रही है, ठीक है ना, आप उनको लेके काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब्ड हो, टेंस्ड हो, सोच रहे हो क्योंकि आप सेपरेशन में हो, ठीक है ना, बट यहाँ पे मुझे ये फील हो रहा है कि आप अपने पर्सन को बहुत ज़्यादा लाइक करते हो, ठीक है, वो आप उनको एक प्रिंस चार्मिंग या प्रिंसेस चार्मिंग की तरह कंसिडर करते हो और उन्हें पूरी खुशियाँ देना चाहते हो। अगर आप मैरिड हो तो भी आप अपने पर्सन के लिए, हस्बैंड या वाइफ के लिए बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड फील करते हो, उन्हें प्रिंस चार्मिंग या प्रिंसेस चार्मिंग की तरह कंसिडर करते हो और उनकी केयर और उनका ध्यान रखना, उन्हें प्यार करना इतना ज़्यादा कि उतनी कि आप खुद अपने आप से भी नहीं करते हो, मुझे ये फील हो रहा है दोस्तों, ठीक है, बट अभी आप उनको लेके काफ़ी ज़्यादा टेंस्ड हो अबाउट योर रिलेशनशिप, आपके पर्सन आपको लेके काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टेड फील करते हो, आपकी बहुत केयर करते हो, बट अभी ऐसा टाइम चल रहा हो कि आपके बीच में कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स हो गए हैं, कुछ सेपरेशन का टाइम चल रहा हो या फिर आपके लाइफ में कुछ ऐसी पास्ट के मोमेंट हो गए आपके पर्सन के साथ जिनको आप भूल नहीं पा रहे हो और काफ़ी ज़्यादा उसको लेके टेंस्ड हो। मैं आपको बताऊँ कि आपके पर्सन इस सिचुएशन को लेके क्या सोच रहे हैं, तो आपके पर्सन, क्योंकि यहाँ पे स्ट्रेंथ का कार्ड है, ठीक है, आपके पर्सन हो सकता है एक लियो हो, ठीक है, जैसा कि मैंने बताया कि आपके पर्सन या आप दोनों ही एक दूसरे को काफ़ी केयर करते हो, आपको लगता है शायद ये मैं ही सिर्फ अपने पर्सन को केयर करता हूँ, उन्हें एडमायर करता हूँ, उन्हें लव करता हूँ, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं है, आपके पर्सन भी आपको बहुत ज़्यादा एडमायर करते हैं, लव करते हैं और आपकी केयर भी करते हैं भीतर से, ठीक है, शायद वो नहीं दिखाते हो बिकॉज वी हैव द एम्परर कार्ड हियर, सो दैट आप, हो सकता है आपको नहीं दिखाते हो जिस वजह से आपको इस बात से लेके थोड़ी सी नाराजगी हो सकती है कि आपके पर्सन आपको फीलिंग्स नहीं शो करते हैं यहाँ पे नाइन ऑफ सोर्ड्स, ठीक है, इस बात को लेके भी आप टेंस्ड हो सकते हो, बट नहीं, वो भी आपके लिए ऐसा ही फील करते हैं, ही केयर्स अबाउट यू एंड ही लव्स यू और सी, ठीक है, एंड वी हैव जस्टिस कार्ड हियर, जिससे मुझे ये पता चलता है कि आपकी जो रिलेशनशिप में अभी यहाँ पे टेंशन जो हो रखी है, देखिए यहाँ पे 9 भी है और यहाँ पे 11 भी है, ये मिररिंग है, ठीक है ना, आप देख सकते हैं ये जो यहाँ पे लिखा हुआ है 9, इसके जस्ट अपोजिट ऐसा लिखा हुआ है, जैसे मिरर में होता है, लेफ्ट का राइट दिखता है, राइट का लेफ्ट दिखता है, ठीक है, तो उसको मिरर नंबर कह सकते हैं, एक्चुअली में अगर हम इसको रोमन नंबर में लिखे तब ये मिररिंग है, बट 11 को अगर हम डेसिमल सिस्टम में लिखे तो वो मिररिंग नहीं है, बट यहाँ पे मुझे आपके लिए मिररिंग दिख रहा है 9 एंड 11, ठीक है, सो यहाँ पे जस्टिस का भी कार्ड है एंड स्ट्रेंथ का भी कार्ड आया, तो मुझे ये फील हो रहा है कि आपके पर्सन अभी ऐसा फील कर रहे हैं कि वो आपको रिलेशनशिप में जस्टिस देंगे, ठीक है, और आप लोगों के भीतर में जो भी सेल्फ डाउट है, ठीक है, या फिर आपके पर्सन को अगर सेल्फ डाउट है आपके रिलेशनशिप को लेके, तो वो उसे ओवरकम करेंगे, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पे स्ट्रेंथ का भी कार्ड आया, तो ये दिखा रहा है कि आपके पर्सन आपकी फीलिंग्स की केयर करेंगे, ठीक है, कि आप उनके बारे में क्या सोचते हो और आपको इन द कमिंग फ्यूचर काफ़ी ज़्यादा जस्टिस मिलेगी, ठीक है, अगर आपने इस रिलेशनशिप में काफ़ी ज़्यादा टाइम दिया है, काफ़ी केयर किया है, जो भी किया है, ठीक है ना, तो आपको वहाँ से जस्टिस मिले, और जैसा कि मैंने पहले ही मेंशन किया कि आपके पर्सन हो सकता है फीलिंग्स आपको नहीं बताते हो, वो भी आपकी उतनी ही केयर करते हैं, सो इन द कमिंग फ्यूचर यहाँ पे आप, यहाँ पे एक जस्टिस का कार्ड है और यहाँ पे एक सोर्ड देख रहे हैं, जिससे कि ये पता चलता है कि आपके लाइफ में जो भी नेगेटिविटी है, यहाँ पे भी सोर्ड्स है, इस नेगेटिविटी को आपके रिलेशनशिप को लेके आपके पर्सन के साथ, ये पर्सन
या आपके पर्सन इस नेगेटिविटी को कट करेंगे, ठीक है ना। यानी आपके मन के भीतर में जो भी दुख है, तकलीफ है, या जो भी कंफ्यूजन है, गिल्ट है, वो कम्प्लीटली वो से कट करेंगे, ठीक है। बहुत एफर्ट डालेंगे ताकि आपकी रिलेशनशिप जो है वो जो भी कन्फ्यूजन से गुजर रही है, जो भी डिफिकल्ट टाइम से गुजर रही है, उसे ठीक कर सकें। विद दीज टू कार्ड हियर 9 एंड 11, मैं आपको ये बता दूँ कि 9 एंड 11 आपके रीडिंग में आया है आपके पर्सन के फीलिंग के। तो मुझे ये फील हो रहा है कि अगर आपके पर्सन के मन में आपके लिए किसी भी तरह का नेगेटिविटी सिचुएशन है, कोई कन्फ्यूजन है या कोई भी नेगेटिव सिचुएशन है, तो वो उसे पास्ट को छोड़ेंगे, ठीक है। बिकॉज 9 एंड 11 ये दिखा रहा है कि आपके पर्सन उस पास्ट के नेगेटिव सिचुएशन को रिलीज़ करेंगे, ठीक है, और आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे विद ऑल द स्ट्रेंथ कार्ड। एंड वी हैव किंग ऑफ कप्स, ठीक है ना, वो हिम्मत भी दिखाएंगे कि आपको अपने इमोशंस को कन्वे कर सके, आपको बता सके, ठीक है। एंड यहाँ पे मुझे ये भी फील हो रहा है कि आप लोगों में शायद कितने भी हार्ड टाइम आए होंगे रिलेशनशिप में, लेकिन आपके पर्सन हमेशा, आप भी और आपके पर्सन भी, आप लोग दोनों ही शायद लड़ाई झगड़े करते भी हो, जो कि मुझे यहाँ दिख रहा है, और काफ़ी टेंस्ड भी होते हो उस चीज़ को लेके। लेकिन आप जब आप एक दूसरे के सामने नहीं होते हो, जब दूर होते हो, तो आप लोग एक दूसरे के प्रति काफ़ी ज़्यादा पुलिंग टुगेदर, ठीक है ना। आपको लगता है मैं फ़ोन कर लूँ, मैं बात कर लूँ, मतलब आप एक दूसरे के बिना नहीं रह पाते हो। कुछ लोगों के लिए मुझे ये फील हो रहा है कि आपके पर्सन आपके लिए ऐसा फील करते हैं कि आप एक मैरिज मटेरियल हो, आप उन्हें काफ़ी ज़्यादा लॉयल भी लगते हैं, और आपके बारे में वो सीरियस भी है, ठीक है ना। वो काफ़ी आपके बारे में रोमांटिक फील करते हैं, अफेक्शनेट फील करते हैं, ठीक है ना, और आपको लेके सीरियस भी हैं, ठीक है। वो नहीं चाहते कि आपको छोड़े किसी भी तरह से, बिकॉज वी हैव किंग ऑफ कप्स हियर। हो सकता विद द एम्परर कार्ड कि आपको वो फीलिंग्स नहीं दिखाते हैं, बट अंदर से वो आपको किसी भी तरह से छोड़ना नहीं चाहते हैं, क्योंकि आप उन्हें एक फैमिली मटेरियल लगते हैं। मैंने आपको स्टार्टिंग में बता दिया कि आपके पर्सन फैमिली से काफ़ी ज़्यादा अटैच्ड हैं, ठीक है ना, तो वो आपको अपनी फैमिली में इंक्लूड करना चाहते हैं, ठीक है। या ऑलरेडी आप मैरिड है, तो आपके पर्सन आपको एक फैमिली मटेरियल, एक मैरिज मटेरियल, और अपने फैमिली के लिए सुटेबल मानते हैं, ठीक है। बट यस, मुझे यहाँ पे कन्फ्लिक्ट और आप लोगों के पॉइंट्स नहीं मिलते हैं, जिस वजह से आप लोगों की कन्फ्लिक्ट होती है, और ये कन्फ्लिक्ट काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है आप लोगों के लिए, मुझे ये भी नज़र आ रहा है। हो सकता है आपके पर्सन की ईगो, मुझे थोड़े से पर्सन आपके, मैंने आपको स्टार्टिंग में मेंशन किया कि आपके पर्सन थोड़े से एरोगेंट या थोड़े से ईगोइस्टिक हो सकते हैं, ठीक है, या फिर उन्हें अपनी फीलिंग्स को छुपाने की आदत होगी, जिसकी वजह से आप लोगों को कम्युनिकेशन की प्रॉब्लम होगी। आप लोग हो सकता है दूसरे के मन के जो भी कन्फ्यूजन है, बातें हैं, वो सामने बोल ही नहीं पाते हैं, लेकिन बाद में उसे काफ़ी अफसोस होता है आपको कि मैंने ये बात क्लियर कर दिया होता तो लड़ाई नहीं होती। बट आपके पर्सन अभी फ़िलहाल इस सिचुएशन पे कंट्रोल पाने की सोच रहे हैं, ठीक है ना। कंट्रोल पाने की सोच रहे हैं, इसका मतलब ये है कि इस वो सोच रहे हैं कि भाई बहुत हुआ लड़ाई झगड़े, बहुत हुआ टेंशन वाला माहौल, चलो अब इसे ख़त्म करते हैं, ठीक है। आपके पर्सन ही इसमें फर्स्ट स्टेप लेंगे, ठीक है, वो इस चीज़ को ख़त्म करना चाहेंगे, नेगेटिविटी को, और इस रिलेशनशिप में स्ट्रेंथ डालना चाहेंगे, अपनी एफर्ट को डालना चाहेंगे, और इम्प्रूव करने की कोशिश करेंगे। एंड विद द एम्परर कार्ड हियर, वो स्टेबिलिटी लाना चाहेंगे, ठीक है ना, क्योंकि आपके पर्सन काफ़ी ज़्यादा मैच्योर मैन है, मैच्योर वुमेन है, और वो किसी भी तरह से बचकानी हरकत नहीं करना चाहते, या अपनी बचकानी हरकत के कारण रिलेशनशिप को ख़त्म नहीं करना चाहते, यहाँ पर मुझे नज़र आ रहा है। यहाँ पर भले ही क्लास है, आपकी डिसएग्रीमेंट है, पॉइंट्स के डिफरेंसेस है, बट वी हैव स्ट्रेंथ कार्ड हियर एंड द एम्परर कार्ड हियर, जो दिखा रहा है कि आपके पर्सन आपको लेके काफ़ी स्टेबल फील करते हैं, या फिर अपने लाइफ में आपको इंक्लूड करना चाहते हैं, जल्दबाजी बिल्कुल भी नहीं करना चाहते, और आपके लाइफ में अभी जो भी नेगेटिविटी चल रही है उसके वो सॉल्यूशंस निकालना चाहते हैं, ठीक है, ना कि इसको और भी ज़्यादा बढ़ाना चाहते हैं, वो ऐसा अभी फील कर रहे हैं आपके बारे में। चलिए और कार्ड से देखते हैं। प्लीज़ एंजल्स हेल्प मी एंड गाइड मी फॉर पाइल नंबर 1। सेल्फ वर्थ, विद द सेल्फ वर्थ कार्ड हियर, मुझे ये फील हो रहा है कि आपके पर्सन आपको अपनी फीलिंग्स बताना चाह रहे हैं, ठीक है ना, और वो बताएंगे, वो ऐसा फील कर रहे हैं कि आपको अपनी फीलिंग्स बता दिया जाए, क्योंकि हो सकता है उन्हें ये रियलाइज़ हो रहा है कि आप इस बात को लेकर काफ़ी टेंस्ड है, ठीक है ना। हो सकता है उन्होंने बताई ना हो, द एम्परर कार्ड है, और इस वजह से आपकी काफ़ी क्लास हुई है, लड़ाई झगड़े हुए हैं, वी हैव दिस कार्ड हियर, बट वो ऐसा फील कर रहे हैं कि चलो अब बता दिया जाए, आपकी रिलेशनशिप को मेंड किया जाए, चलो कन्फ्यूजन को दूर किया जाए, ऐसा भी आपके पर्सन फील कर रहे हैं आपको लेके। प्लीज़ एंजल्स हेल्प मी एंड गाइड मी। रिजेक्शन, ठीक है, बट वो बता नहीं पा रहे हैं, हो सकता है उन्हें डर हो रिजेक्शन का, कि आपके पर्सन को मैंने बताया इमोशंस बताने में थोड़ी प्रॉब्लम होती होगी, खुल के बातें नहीं करते होंगे, या उन्हें थोड़ा सा ईगो भी होगा, जिस वजह से वो नहीं बता पा रहे हैं, ठीक है ना। एंड बट वो डिसाइड कर रहे हैं कि बताएं, बट उन्हें डर है रिजेक्शन का। हो सकता है उन्हें डर है कि शायद मैं बातें एक्सप्लेन करने जाऊं तो बातें और बिगड़ जाए और आप शायद पूरी तरह से रिलेशनशिप को ख़त्म कर दे, ठीक है, उन्हें इस चीज़ का डर है, ठीक है, या ये मुझे यहाँ पे फील हो रहा है। वैनिटी,
सो विद द वैनिटी कार्ड हियर, मुझे ये फील हो रहा है कुछ लोगों के लिए कि आपके पर्सन आपको ट्रुथ तो बताएंगे ही, बट फॉर सम परसेंटेज ऑफ पीपल मुझे ये भी फील हो रहा है कि आप शायद किसी पर्सन के बारे में, जो भी इस रीडिंग को देख रहे हैं ना, उस पर्सन को काफ़ी ज़्यादा फियर है रिजेक्शन का, और वो अपने आप को ना आपके लायक नहीं समझते हैं, ऐसा मुझे यहाँ पे कार्ड पे दिख रहा है। बिकॉज वी हैव सेल्फ कार्ड हियर एंड वैनिटी कार्ड हियर, तो आपके पर्सन में बहुत ज़्यादा सेल्फ डाउट है, उन्हें ऐसा लग रहा है कि वो आपको कुछ हो सकता है, आपके पर्सन आपको बहुत दिनों से लाइक कर रहे हो और आप भी उन्हें लाइक करते हो, बट उन्होंने आपको एक्सप्रेस ही ना किया हो, ठीक है। विद ऑल दिस थ्री कार्ड्स मुझे बहुत ज़्यादा सेल्फ डाउट की वाइब आ रही है, आपके पर्सन को काफ़ी ज़्यादा सेल्फ डाउट है, वो आपको बता ही नहीं पा रहे हैं आपकी अपने मन की फीलिंग्स, शायद आपको एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं, आपको प्रपोज नहीं कर पा रहे हैं, बट वो आपको बहुत ज़्यादा लाइक करते हैं, बिकॉज उन्हें रिजेक्शन का डर है, मुझे यहाँ पे ये फील हो रहा है, उन्हें अपने आप पे डाउट है कि पता नहीं ये पर्सन मुझे लाइक करेगा कि नहीं करेगी, ठीक है। और ये चीज़ मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है, बट वो स्ट्रेंथ रखेंगे एंड आपके साथ जस्टिस होगी, ठीक है, मुझे यहाँ पे ये नज़र आ रहा है, स्ट्रेंथ रखेंगे। आपके रिलेशनशिप में जो भी कन्फ्यूजन है या उन्हें अपनी बातों को बताने में दिक्कत हो रही है, अपने लव को एक्सप्रेस करने में दिक्कत हो रही है, तो वो स्ट्रेंथ रखेंगे और अपने जो भी उनकी सेल्फ डाउट है उसे वो ओवरकम करेंगे, ठीक है। और शायद इसी सेल्फ डाउट की वजह से आप लोगों की मिसकम्युनिकेशन होती है और क्लैशेज होते हैं, बातें जो है वो बिगड़ती हैं, क्योंकि वो फीलिंग्स को हाइड करते हैं, क्योंकि लगता है उन्हें कि आप अगर वो आपके पर्सन खुल के फीलिंग्स को बताएंगे तो आप उन्हें रिजेक्ट कर देंगे, क्योंकि उन्हें काफ़ी ज़्यादा सेल्फ डाउट होगा, ठीक है। और भी कार्ड्स हम देखते हैं, प्लीज़ एंजल्स हेल्प मी एंड गाइड मी, फिर हम आपके लिए गाइडेंस भी देखेंगे, आपके पर्सन कैसा फील करते हैं आपके बारे में, प्लीज़ एंजल्स हेल्प मी एंड गाइड मी। फॉर पाइल नंबर वन, हाउ देयर पर्सन आर फीलिंग अबाउट, प्लीज़ एंजल्स हेल्प मी एंड गाइड मी। कॉर्नुकोपिया, ओके, तो कॉर्नुकोपिया का भी कार्ड है, स्ट्रेंथ का भी कार्ड है, जस्टिस का भी कार्ड है, ठीक है। एंड यहाँ पे आप देख सकते हैं टू, ठीक है। सो आपके रिलेशनशिप में काफ़ी ज़्यादा बैलेंस आएगी, ठीक है। आपके पर्सन वर्क करेंगे खुद के ऊपर में, वो अपने अंदर हिम्मत लाएंगे और अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करेंगे आपके प्रति, ठीक है। आपके पर्सन में काफ़ी ज़्यादा फीलिंग्स है, ठीक है, वो आपको फील करते हैं, आपकी वैल्यू को फील करते हैं, आपको एक मैरिज मटेरियल देखते हैं, और ऑलरेडी अगर आप मैरिड हैं अपने पर्सन के साथ तो वो आपकी इंपॉर्टेंस अपने लाइफ में वो जानते हैं, ठीक है, बट रिजेक्शन के डर से अपनी बातों को नहीं बता पाते हैं, शायद उन्हें सेल्फ डाउट है, उन्हें हो सकता है अपने लुक्स को लेकर डाउट हो, आप शायद बहुत गुड लुकिंग हो सकते हैं और आपके पर्सन को लगता है कि मैं उतना गुड लुकिंग नहीं हूँ, और शायद मैं उन्हें अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करूँगा तो वो मुझे रिजेक्ट कर देंगे, मुझे कहीं ना कहीं से आपके पर्सन में रिजेक्शन की फीलिंग लग रही है, और इस वजह से मिसकम्युनिकेशन है, आपके पर्सन फीलिंग्स नहीं बताते आपको, और इस वजह से आप काफ़ी परेशान हैं, टेंशन में हैं, ठीक है। और भी कार्ड्स लेते हैं और क्लियर करते हैं मैसेजेस, प्लीज़ एंजल्स हेल्प मी। एडजस्टमेंट पॉसिबिलिटीज़, कार्ड ऑफ एडजस्टमेंट पॉसिबिलिटीज़ हियर, सो ये, और यहाँ पे 2+4=6 है, और मेरे कैमरा में भी अभी 241 हो रहा है, ठीक है, सो 24 वहाँ भी और 24 यहाँ पे भी नज़र आ रहा है, ठीक है। सो मुझे ये बहुत ज़्यादा दिख रहा है, 2+4=6 एंड विच स्टैंड्स फॉर दैट, आपके पर्सन आपको एक मैरिज मटेरियल कंसिडर करते हैं, एक फैमिली में अपनी फैमिली आपके साथ स्टार्ट करना चाह रहे हैं, ये वाइब मुझे दिख रही है, ठीक है। एंड अगेन ये कार्ड आया है, और मुझे एडजस्टमेंट पॉसिबिलिटी से ये भी लग रहा है कि आपके पर्सन अब सारी कोशिश करेंगे, ठीक है ना, जितनी भी पॉसिबिलिटीज़ हो सकती है आपके रिलेशनशिप को मेंड करने की, अपने आप को सुधार लाने की, अपने सेल्फ डाउट को ख़त्म करने की, वो सारी पॉसिबिलिटीज़ को वो कंसिडर करेंगे, और काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेंथ भी दिखाएंगे। एडजस्टमेंट पॉसिबिलिटीज़ मतलब ये कि वो काफ़ी स्ट्रेंथ भी दिखाएंगे, ताकि वो आप अपने आप में जो भी डाउट है वो क्लियर करके आपको एक्सप्रेस कर सके, सो दैट कि आप दोनों के बीच में जो भी कन्फ्यूजन है, या फिर आपको प्रपोज ही नहीं किया है आपके पर्सन ने, आप उनका वेट कर रहे हैं, ठीक है, तो आपको वहाँ से वो एक्सप्रेस करेंगे। वी हैव कॉर्नुकोपिया, तो काफ़ी पॉजिटिविटी आएगी एंड बटरफ्लाई है, तो पॉजिटिव चेंज आएगी, ठीक है। सो वी विल टेक वन मोर कार्ड फ्रॉम दिस डेक, प्लीज एंजल्स हेल्प मी एंड गाइड मी फॉर पाइल नंबर टू, वॉकिंग अवे एंड अगेन बटरफ्लाई, ठीक है। सो यहाँ पे वॉकिंग अवे है, तो ऑब्वियसली आपके पर्सन जिस भी नेगेटिविटी में है ना, जो भी सेल्फ डाउट है उनकी, उसको वो छोड़ेंगे, ठीक है, वो इस गेट के अंदर बंद हैं और अपनी फीलिंग्स को बंद करके रखा हुआ है। विद द एम्परर कार्ड हियर, आप देख सकते हैं यहाँ पे एम्परर कार्ड है, तो वो वॉक अवे करेंगे उस सिचुएशन से, ठीक है ना, उस चीज़ को छोड़ेंगे, और देन आपको आएंगे, यहाँ पे भी डोर दिख रहा है आपको, ये दरवाज़ा यहाँ से वो खुल रहा है, वो निकलेंगे और फिर यहाँ से आएंगे, ठीक है ना, ये चीज़ मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है। सो वो आपके पास आके अपनी ईगो को छोड़ के
और जो भी उनकी जो सेल्फ डाउट है उस सबको पीछे छोड़ के वो हिम्मत दिखाएंगे, बिकॉज उन्हें फील हो रहा है कि बहुत ज़्यादा टाइम बीत रहा है। ठीक है, हो सकता है वो आपके साथ कमिटमेंट करना चाहते हो क्योंकि वो खुद एक मैरिज मटेरियल पर्सन को ढूंढ रहे हैं अपने लाइफ में, और आप में काफ़ी पॉसिबिलिटीज़ देखते हैं कि आप उनके लाइफ पार्टनर बन सकते हैं। ठीक है, या आप ऑलरेडी मैरिड हैं तो आपके बीच में कन्फ्यूजन है, तो आपके पर्सन आपको ज़रूर आके देर आर पॉसिबिलिटीज़ कि वो आपको आके अपने मन की बातों को क्लियर करेंगे, बिकॉज वी हैव कॉर्नुकोपिया कार्ड हियर विच इज़ वेरी पॉजिटिव फॉर योर रिलेशनशिप। चलिए और देखते हैं गाइडेंस एंजल आपको क्या बताना चाह रहे हैं, यूनिकॉर्न्स आपको क्या बताना चाह रहे हैं, आपके पर्सन कैसे फील करते हैं। द क्राइस्ट ओपन द डोर, अगेन आया डोर। ठीक है, सो डोर, यहाँ भी डोर है, डोर्स है, यहाँ तो डोर नहीं है, बहुत सारे डोर्स है, एंड यहाँ पे भी डोर गेट है विच इज़ लाइक अ डोर। ठीक है, सो दोस्तों यहाँ पे आपको बताया जा रहा है कि आपके पर्सन अपने आप को डोर में बंद करके रखे हुए, अपने फीलिंग्स को किसी दरवाजे में बंद करके रखा हुआ है उन्होंने। ठीक है, तो वो उस डोर से बाहर निकलेंगे। ठीक है, उन पे डिवाइन की ब्लेसिंग होगी और आपके पास जरूर आएंगे वो अपने फीलिंग्स को बताने के लिए। ठीक है, या फिर जो भी आपके रिलेशनशिप में नेगेटिविटी चल रही है उसे खत्म करेंगे आपके पर्सन ही। ठीक है, वो फर्स्ट स्टेप लेंगे। आर्कएंजल माइकल यूजिंग द सोर्ड ऑफ ट्रूथ टू हेल्प द वर्ल्ड। ठीक है, आपके पर्सन जो है वो ट्रूथ को जरूर सामने लेके आएंगे। ठीक है, एंड यहाँ पे भी सोर्ड है एंजल के हाथ में माइकल, एंड वी हैव यहाँ पे भी सोर्ड है एंड वी हैव आर्कएंजल माइकल हियर। सो ये आपको बता रहा है कि आपके पर्सन को बहुत ज़्यादा सेल्फ डाउट है, इनसिक्योरिटीज़ है, जिसके ऊपर वो वर्क करेंगे विद द हेल्प ऑफ आर्कएंजल माइकल। ठीक है, आर्कएंजल माइकल उनकी हेल्प करेंगे और आपके पर्सन अपनी सेल्फ वर्थ को समझ पाएंगे। ठीक है ना, आपके पर्सन में बहुत ज़्यादा, आप अगर अपने पर्सन के बारे में जानते ही हो, डेफिनेटली जानते हो, तो आपको पता होगा कि आपके पर्सन के अंदर काफ़ी सेल्फ डाउट है, उन्हें खुद पे ही शंका होती है कि पता नहीं मुझे कहीं रिजेक्शन तो नहीं मिल जाएगा। ठीक है, आप अगर नहीं भी आपको पता है तो मैं आपको बता रही हूँ कि आपके पर्सन के अंदर काफ़ी सेल्फ डाउट है, इसलिए वो अपने आपको एक्सप्रेस नहीं कर रहे हैं, बट इन द कमिंग फ्यूचर वी हैव कॉर्नुकोपिया कार्ड हियर, वॉकिंग अवे कार्ड हियर, एडजेसेंट पॉसिबिलिटीज कार्ड हियर, तो आपके पर्सन अपने सेल्फ डाउट पे वर्क करेंगे, आर्कएंजल माइकल की ब्लेसिंग उनके साथ है। ठीक है, एस्पिरेशन, यू आर अनलिमिटेड, सो एम फॉर द स्टार्स। ठीक है, कुछ लोगों के लिए मुझे ये भी फील हो रहा है, हो सकता है आपकी ये एनर्जी हो, आप शायद अपने पर्सन को एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं और आप काफ़ी सेल्फ डाउट रख रहे हो, आपको शायद डाउट हो रहा है कि आप अपने पर्सन के लायक हो कि नहीं हो, ये भी हो सकता है, बट आपको यहाँ बताया जा रहा है कि आप अनलिमिटेड है, आपको अपने बारे में सोचना है कि आप तारे छू सकते हैं, आसमान छू सकते हैं। ठीक है, सो ये गाइडेंस है दोस्तों। ठीक है, तो आई होप सो आपके साथ ये मैसेज रेजोनेट की होगी कि आपके पर्सन आपके बारे में क्या सोच रहे हैं करेंटली। अगर आपके साथ मैसेज रेजोनेट हुई हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, और फिर मेरे नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं आपके साथ, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, बाय, नमस्ते। सो हेलो पाइल नंबर, आप सब कैसे हैं, आपने इस ग्लास वाले लाफिंग बुड्ढा को सेलेक्ट किया है, तो ये आपकी रीडिंग है दोस्तों। दोस्तों दिस इज़ अ जनरल रीडिंग, तो जो मैसेज आपसे रेजोनेट होती है उसे रखें, जो नहीं होती उसे जाने दें। आप मेल फीमेल कोई भी हो, आप अपने हस्बैंड वाइफ लवर एक्स ट्विन फ्लेम सोलमेट जो भी आपके पर्सन हो, आप उस उनके लिए रीडिंग देख सकते हो कि वो आपके बारे में कैसा फील करते हैं, आप लोगों की रिलेशनशिप की ट्रुथ क्या है। ठीक है, हम डिटेल्स में इसे देखेंगे, सो आई रिक्वेस्ट कि आप इसे कम्प्लीटली देखें इस रीडिंग को। ठीक है, और साथ ही साथ अगर आप मुझसे पर्सनल प्राइवेट रीडिंग बुक करना चाहते हैं तो आप मुझे दो तरीके से कर सकते हैं, या तो आप मुझे मेल करें या फिर आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज करें, आप मुझे वहाँ भी फॉलो कर लें। ठीक है दोस्तों, तो चलिए हम आपकी रीडिंग को देखते हैं कि आपके पर्सन आपके बारे में कैसा फील करते हैं, जिनके साथ आप रिलेशनशिप में हो या सेपरेशन में हो। फर्स्ट कार्ड इज़ वी हैव सेवन ऑफ सोर्ड्स, वी हैव टावर कार्ड, वी हैव सिक्स ऑफ पेंटेकल्स कार्ड, वी हैव सेवन ऑफ पेंटेकल्स, we have the death card, page of pentacles, okay, and four of cups and the fool card. कार्ड से एडजस्ट करती हूँ एक मिनट। सो पाइल नंबर टू, हो सकते हैं आपके पर्सन एक्वेरियस जेमिनाई लिब्रा हो या फिर अर्थ साइन के हो सकते हैं, टॉरस वर्गो एंड कैप्रिकॉन। ठीक है, आप लोग हो सकता है कैंसर पाइसिस स्कॉर्पियो हो। ठीक है, या स्कॉर्पियो बहुत ज़्यादा दिख रही है, हो सकता है आपके पर्सन वाटर साइन में आते हो स्कॉर्पियो हो। ठीक है, या फिर कैंसर पाइसिस स्कॉर्पियो भी हो सकते हैं, एंड एयर साइन भी मुझे बहुत ज़्यादा यहाँ पे नज़र आ रही है विच इज़ एक्वेरियस जेमिनाई एंड लिब्रा। ओके, तो मैं अगर बात करूँ जिनके बारे में आप देख रहे हो, मुझे बहुत ज़्यादा लग रहा है कि आप
है ना, आप उनके बारे में काफ़ी ऐसा फील करते हो कि ये पर्सन, ठीक है ना, आपके ये वाइफ हस्बैंड लवर जिनके लिए भी आप देख रहे हो, आपको ऐसा फील होता है कि आपके पर्सन काफ़ी प्लेफुल है, प्लेफुल नेचर के हैं। इसका मतलब ये कि वो बातों को सीरियस नहीं लेते हैं, या फिर ये भी लगता होगा आपको कि आपको लेके सीरियस नहीं है। इवन देन आप उनकी तरफ काफ़ी ज़्यादा एक कह सकते हैं मैग्नेटिक अट्रैक्शन फील करते हो, ठीक है। इवन देन कि आपको ऐसा फील होता है कि आपके पर्सन आपको सीरियसली नहीं लेते हैं, इवन देन आप उनके साथ रिलेशनशिप में रहना चाहते हो, बिकॉज आपको एक बहुत स्ट्रांग कनेक्शन फील होता है। आपके पर्सन आप आउटस्पोकन भी हो सकते हैं, आउटस्पोकन कहने का मतलब बिना सोचे समझे बातें कहना, ठीक है। कभी कभी आपको ऐसा भी लगता होगा कि आपसे अपनी मन की बातें करवा लेते हैं, ठीक है, कोई भी बात हो सकती है, और इक्वल गिव एंड टेक नहीं है, आपको ऐसा फील हो रहा है इस रिलेशनशिप में। हो सकता है आपको फील हो रहा है कि आप बहुत एफर्ट लेते हैं, आप बहुत केयर करते हैं, आप बहुत टाइम देते हैं, आप ही कॉल करते हैं, आप ही मैसेज करते हैं, आपके पर्सन आपको सीरियसली नहीं लेते, रिप्लाई नहीं करते या लेट से रिप्लाई करते हैं, बहुत सारे चांसेस है, ठीक है, मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। कुछ पर्सन के लिए मुझे ये भी फील हो रहा है कि आप लोग किसी ब्रेकअप से गुजर रहे हो या डाइवोर्स प्रोसेस से गुजर रहे हो, या फिर आपको ऐसा भी फील हो रहा है कि आपके पर्सन ने आपको इमोशनली अब्यूज़ किया है, ठीक है। इमोशनली अब्यूज़ करने का मतलब कि आपको इमोशनली हर्ट किया हो, कुछ ऐसी बातें कह के या फिर कुछ ना कुछ आपको हर्ट हुआ है, अभी ऐसा फील हो रहा है मुझे, ठीक है। एंड अभी आप लोग हो सकता है सेपरेशन में हो, जैसा पहले बता दिया, या फिर डिवोर्स प्रोसेस से गुजर रहे हो, और ये प्रोसेस जो अभी करेंटली आपकी लाइफ में चल रहा है ना, ये आपके रिलेशनशिप के लिए बहुत बड़ा चेंज लेके आएगा, ठीक है, ये चीज़ मुझे नज़र आ रहा है। और मुझे ये भी लग रहा है कि बहुत सारे लोगों के लिए, सभी के लिए नहीं बट बहुत सारे लोगों के लिए लग रहा है कि इस प्रोसेस में ना आपके फैमिली भी इन्वॉल्व हो सकती है, ठीक है। ये जो चेंज आपके रिलेशनशिप में आएगा, आपकी लाइफ में आएगा, इसमें आपकी फैमिली भी इन्वॉल्व हो सकती है, ठीक है। आइदर आपकी फैमिली इस रिलेशनशिप को सपोर्ट करेगी, या फिर आप लोगों का डिवोर्स प्रोसेस चल रहा है तो भी आप दोनों की फैमिली इसमें इन्वॉल्व हो सकती है, ठीक है। या फिर आप अगर ऑलरेडी मैरिड हो और अगर अपने मैरिड लाइफ के लिए देख रहे हो, अपने हस्बैंड वाइफ के लिए, तो मुझे ये लग रहा है कि आप लोगों की जो अभी लड़ाई झगड़े हुए हैं या फिर जो भी कन्फ्यूजन हुई है, बिकॉज द टावर कार्ड इज़ हियर, सो मुझे ये लग रहा है कि आप लोगों की अभी थोड़ी सी एक डाउन मोमेंट चल रही है रिलेशनशिप में, ठीक है, आपके पर्सन के साथ। सो आपकी फैमिली इसमें इन्वॉल्व होकर आपकी हेल्प कर सकती है, बहुत चांसेस मुझे नजर। वी हैव द डेथ कार्ड हियर एंड वी हैव द सेवन ऑफ पेंटिकल्स एंड वी हैव सिक्स ऑफ पेंटिकल्स, ठीक है। आपके पर्सन भले ही प्लेफुल एनर्जी में है, ठीक है ना, मैंने कहा बहुत सिग्निफिकेंट चेंज आएगी, अभी आपकी बहुत ज़्यादा टेंशन वाली सिचुएशन हो सकती है रिलेशनशिप में, बट मुझे बहुत सारे लोगों के लिए चांसेस आ रहे हैं ना कि हो सकता है कि आपकी ब्रेकअप या डिवोर्स रुक जाए, ठीक है ना, ब्रेकअप है तो वो ठीक हो जाए और डिवोर्स है तो वो रुक जाए, बहुत सारे लोगों के लिए चांसेस है, बिकॉज वी हैव द डेथ कार्ड हियर, ठीक है, द टावर कार्ड यहाँ पे है और डेथ का कार्ड हियर है, जो दिखा रहा है कि आपकी जो रिलेशनशिप में जो भी नेगेटिविटी चल रही है वो रुक सकती है फॉर सम परसेंट ऑफ द पीपल, ये बता रही हूँ, ठीक है। जो आपका टावर मोमेंट है ना, वो यहाँ पे डेथ कार्ड है, वो खत्म हो जाएगा, ठीक है ना। आपके पर्सन भले ही अभी प्लेफुल एनर्जी में हो, काफ़ी ज़्यादा आपको लेके कैजुअली लेते हो, ठीक है, नॉट वेरी सीरियसली, आपकी फीलिंग्स की हो सकता है कदर भी ना करते हो, आपको इमोशनली हर्ट भी किया हो, बट विद द सिक्स ऑफ पेंटिकल्स कार्ड हियर, आपके पर्सन को ना किसी तरह से रियलाइज होने वाला है कि उन्हें इस तरह का बिहेवियर नहीं रखना चाहिए आपके प्रति, ठीक है, और आपको लेके वो काफ़ी हो सकता है जेनरस और काइंड फील करेंगे, ठीक है ना, या फिर अभी कर रहे हैं वो, आपके पर्सन उन्हें अफसोस हो रहा है या फिर वो वेट कर रहे हैं, ठीक है। आपने बहुत रिलेशनशिप में एफर्ट डाला हुआ है, टाइम दिया हुआ है, केयर किया है, तो आपके पर्सन इस चीज़ को रियलाइज़ कर रहे हैं, ठीक है ना, ये पर्सन आपको दिख रहा होगा किस तरह से सिर झुका के सोच रहा है, तो आपके पर्सन भी शायद इस चीज़ को रियलाइज़ कर रहे हैं, और उनकी जो प्लेफुल एनर्जी है, जो कैजुअल टेकिंग है ना, वो इस चीज़ को ख़त्म करने की भी सोच रहे हैं, ठीक है ना, उनमें स्पिरिचुअल चेंजेस आएंगे, ठीक है ना, और उनमें एक स्पिरिचुअल अवेकनिंग भी होगी, ठीक है, ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है, प्लेफुल एनर्जी से एक केयरिंग और बॉन्डिंग नेचर में नज़र आ रहे जाते हुए आपके पर्सन, ठीक है। कहीं ना कहीं से आपको या आपके पर्सन, ठीक है, मेनली आपके पर्सन को ये फील होता है ना कि वो आपके डेस्टाइंड पार्टनर है या आप उनके डेस्टाइंड पार्टनर हो, ठीक है, और ऐसा भी फील होता है आपके पर्सन को कि आप दोनों एक दूसरे को कंप्लीट करते हो, मतलब हाफ्स हो, ठीक है। हाफ्स कैसे होते हैं, अगर हम किसी चीज़ को तोड़ते हैं तो वो फिट कब होते हैं, जब दोनों एक दूसरे के बिल्कुल अपोजिट हो सकता है आप दोनों की पर्सनालिटी एक दूसरे से बिल्कुल अपोजिट हो, आपके पर्सन काफ़ी प्लेफुल हो सकते हैं, आप काफ़ी मच्योर हो सकते हैं, ठीक है। द फूल कार्ड इज ऑल्सो हियर, तो आपके पर्सन काफ़ी
इमैच्योर एनर्जी में हो सकते हैं, बातों को नहीं समझते हैं, फीलिंग्स को नहीं समझते हैं, ठीक है। बट इवन देन आप दोनों एक साथ रहते हैं क्योंकि आप लोगों को कहीं ना कहीं फील होता है कि आप लोग एक दूसरे के डेस्टाइंड पार्टनर हैं। आप लोग दूर जाते हैं बट अगेन पास आ जाते हैं, ठीक है। आपके पर्सन को रियलाइज़ हो रहा है शायद कि उन्हें इस तरह का बिहेवियर नहीं रखना चाहिए, इतना कैजुअल नहीं लेना चाहिए उस पर्सन के लिए, खास करके आपके लिए जो उन्हें इतनी केयरिंग नेचर से देखते हैं, इतना ज़्यादा उनके बारे में सोचते हैं, इतना ज़्यादा आप उन्हें प्यार देते हैं इस रिलेशनशिप में, ठीक है। और इन द कमिंग फ्यूचर आपके पर्सन एफर्ट लेते हुए भी नज़र आ रहे हैं, ठीक है ना। विद द सेवन ऑफ पेंटिकल्स कार्ड यार आपके पर्सन एफर्ट लेंगे इस रिलेशनशिप में, आपको उनकी पर्सनालिटी में काफ़ी ज़्यादा चेंजेस नज़र आएगी। डेथ कार्ड, ठीक है ना, टावर मोमेंट का डेथ होगा, खत्म होगा ये नेगेटिव मोमेंट, या फिर जो भी उनका कैजुअल बिहेवियर है, या फिर बहुत ही केयरलेस बिहेवियर कह सकते हैं, या फिर हम ये भी कह सकते हैं रूड बिहेवियर, ठीक है, ये भी मुझे नज़र आ रहा है, वो खत्म होगा। कुछ लोगों के लिए मैंने बताया आपकी ब्रेकअप है तो वो एक पॉजिटिव आपके पर्सन के एफर्ट के द्वारा, ठीक है ना, वो ठीक किए जा सकते हैं, एक पॉजिटिव मोमेंट आ सकता है उसमें। कुछ लोगों के लिए डिवोर्स रुक सकती है बिकॉज ऑफ योर फैमिली एफर्ट, ये भी नज़र आ रहा है मुझे, ठीक है, अगर आप उस चीज़ के लिए देख रहे हो। आपके पर्सन आपको लेके कुछ प्लान करेंगे, ठीक है, ये प्लानिंग हो सकता है आपको ये दर्शाना या फिर आपके ऊपर एक्सप्रेस करना आके कि भाई मेरा इमैच्योर बिहेवियर अब ख़त्म हुआ, मैं रिस्पॉन्सिबल हो रहा हूँ, ठीक है, ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। आपके पर्सन ऐसा फील करेंगे आपके लिए, ठीक है ना, वो अपने बिहेवियर को, जो इमैच्योर बिहेवियर, उसे पीछे छोड़ने की सोच रहे हैं, उन्हें काफ़ी रिग्रेट भी हो रहा है, ठीक है, और वो चाहते हैं कि अब मैं थोड़ा सा सीरियस हो जाऊँ इस रिलेशनशिप में। बट येस, इवन देन मुझे काफ़ी टाइम लगेगा आपके पर्सन को कमिटमेंट देने में। कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ पे कमिटमेंट की बहुत ज़्यादा कमी दिख रही है। आपके पर्सन इवन देन आपको बहुत ज़्यादा आने वाले टाइम में केयर देने की सोच रहे हैं, बहुत ज़्यादा आपके साथ बॉन्डेड ही रहना पसंद कर रहे हैं। इवन देन आपके पर्सन इस चीज़ के बारे में अभी नहीं सोच रहे हैं कि वो आपको कमिटमेंट दे, ठीक है। कुछ लोग जो ऑलरेडी रिलेशनशिप में है या फिर मैरिड हैं, ठीक है, जो मैरिड पर्सन यहाँ पे देख रहे हैं, ठीक है, तो उनके लिए मुझे ये लग रहा है कि आपके पर्सन अभी ऐसा फील कर रहे हैं, शायद ये वो इस नेगेटिव मोमेंट को, आपके बीच के लड़ाई झगड़े को ख़त्म करना चाह रहे हैं, और साथ ही साथ ये प्लान कर रहे हैं कि आप लोग कहीं घूमने जाओ, या फिर आपको वो किसी तरह की सरप्राइज़ देने की सोच रहे हैं। मेनली हस्बैंड वाइफ्स, गर्ल GFBF आप अगर देख रहे हो तो मुझे ये लग रहा है कि आपके पार्टनर आपको सरप्राइज़ देने के लिए भी सोच रहे हैं कि इस पर्सन को चलो खुश कर दिया जाए, ठीक है, ताकि आप, मतलब ये वो दिखाना चाह रहे हैं कि आप भी उनके लिए इंपॉर्टेंट हो। आप तो हमेशा ये दिखाते ही हो क्योंकि आप लोगों का एक डिवाइन कनेक्शन हो सकता है। आपके पर्सन ये बहुत ज़्यादा फील करते हैं एक दूसरे के प्रति कनेक्टेड, ठीक है। दोस्तों मुझे दो दो पॉसिबिलिटीज़ नज़र आई है जो मैंने आपको बताया, ठीक है, क्योंकि ये जनरल रीडिंग है तो बहुत सारी पॉसिबिलिटीज़ आती है। चलिए और भी कार्ड्स लेके मैसेज को क्लियर करते हैं। प्लीज़ एंजल्स हेल्प मी एंड गाइड मी फॉर पाइल नंबर 2, व्हाट देयर पर्सन थिंक्स अबाउट देम, व्हाट इज़ द ट्रूथ ऑफ देयर रिलेशनशिप। फॉरगिवनेस, ओके, ठीक है, आपके पर्सन को आपको फॉरगिव करने की ज़रूरत है, ठीक है। वो आपको हर्ट करके गए हैं इमोशनली, आपके साथ काफ़ी ज़्यादा इमोशनल हर्ट, इमोशनल अब्यूज़, काफ़ी आपको कैजुअली लिया हो, केयरलेसली लिया हो, बट वो आपके पास आएंगे बिकॉज यहाँ पे डेथ का कार्ड है। इस बिहेवियर का डेथ होगा, ठीक है ना, डेथ का मतलब एंड होगा ये बिहेवियर, ठीक है। और यहाँ पे सन दिख रहा है तो उनमें काफ़ी ट्रांसफॉर्मेशन आएगा, स्पिरिचुअल ट्रांसफॉर्मेशन आएगा, और आपको ये चीज़ होल्ड करके नहीं रखना है कि इन्होंने मुझे पास्ट में काफ़ी हर्ट किया है, ठीक है, बिकॉज आपके पर्सन अभी फील कर रहे हैं उस चीज़ को, रिग्रेट कर रहे हैं आपके बारे में, आपको उन्हें माफ़ करना है, ठीक है, जब भी वो आपके पास आए। बहुत चांसेस है कि आपकी रिलेशनशिप ठीक हो जाए। दो कार्ड्स आ रहे साथ साथ, ओके, कॉम्प्लीसेंसी एंड वैरायटी कार्ड, ठीक है, तो आपके पर्सन अपने ऊपर वर्क करेंगे, ठीक है, और यहाँ पे कॉम्प्लीसेंसी कार्ड है तो आपको अगर ऐसा फील हो रहा है कि आपके पर्सन को कोई फ़र्क नहीं पड़ता है आपको लेके, तो मैं आपको बता दूँ ये दोनों कार्ड्स आपको दिख रहे होंगे यहाँ पे, फोर ऑफ कप्स एंड कॉम्प्लीसेंसी कार्ड है, तो आपके पर्सन भी दुखी है, ठीक है ना, क्योंकि आपको इमोशनली हर्ट किया हो, वीक, आपको काफ़ी कैजुअली लिया हो, आपको केयरलेसली लिया हो, तो इस चीज़ के लिए वो दुखी है। अगर आपको ये लग रहा है कि आपके पर्सन दुखी नहीं है और आप काफ़ी ज़्यादा इस बात को लेकर गुस्से में हैं, तो उन्हें फॉरगिव कीजिए, ठीक है, एंड आपके पर्सन भी दुखी है, ठीक है, और वो अपने ऊपर वर्क करेंगे सो दैट आपको भी अच्छा फील करवा सके। वी विल टेक वन मोर कार्ड, प्लीज एंजल्स हेल्प मी एंड गाइड मी। वर्कहॉलिक,
ओके। तो कुछ लोगों के लिए आपके पर्सन वर्क में बिजी हो सकते हैं, जिसकी वजह से वो आपको नहीं बोलने आ रहे हो, और आपको लग रहा है कि ये पर्सन सिर्फ पैसे कमाने में बिजी हो। बहुत सारे पेंटेकल्स के कार्ड है और आपको केयरलेसली लेते हैं, अपने जॉब को बहुत इंपॉर्टेंस देते हैं, आपको ऐसा फील हो रहा हो, और आपको इस वजह से टाइम कम देते हो, और हो सकता है आपकी कम केयर करते हो, इस वजह से आपको काफ़ी ज़्यादा दुख पहुँचा है। देन आपके पर्सन भी इस बात को लेकर दुखी है, और वो आगे से इस बात को रियलाइज़ कर रहे हैं कि आगे से मुझे टाइम देना, मतलब पास्ट में जो भी आपके पर्सन के द्वारा गलतियाँ हुई हैं ना, लाइक वो वर्क के लिए आपको नेग्लेक्ट कर रहे थे, काम पे ज़्यादा समय दे रहे थे, पैसे कमाने पे ज़्यादा फोकस थे, और आपको बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रहे थे, तो वो इस चीज़ से बाहर निकलेंगे। इस चीज़ को लेकर वो दुखी हो रहे हैं, उन्हें रियलाइज़ हो रहा है ये चीज़। डेथ का कार्ड है, तो वो चीज़ एंड होगा, उनके बिहेवियर में चेंजेस आएंगे। एंड अबंडेंस कार्ड हियर, विच इज़ वेरी गुड, वाओ। तो आपके पर्सन अपनी लाइफ में अबंडेंस, मनी पे फोकस्ड है, ठीक है, और इस बात का उन्हें अभी काफ़ी दुख भी हो रहा है कि इस पर्सन को मैंने क्यों नहीं ध्यान दिया। क्योंकि आपके पर्सन जब आपसे दूर हो जाते हैं तो उन्हें तब रियलाइज़ होता है कि ये पर्सन मेरे लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सामने होते हैं तो इंपॉर्टेंस नज़र नहीं आता है, बट दूर होते हैं तो काफ़ी इंपॉर्टेंस नज़र आता है। और आप लोगों के लिए अभी लग रहा है कि आप लोग सेपरेशन में हो, ब्रेकअप में हो, इस वजह से आपके पर्सन काफ़ी दुखी है, काफ़ी रियलाइज़ हो रहा है उन्हें, उनमें चेंजेस आ रहे हैं, ठीक है। एंड इस बात को लेके वो काफ़ी ज़्यादा सोच रहे हैं कि चलो भाई अब इस नेगेटिविटी को ख़त्म करें। अबंडेंस का कार्ड आया है, तो हो सकता है आपके पर्सन इस रिलेशनशिप को लेके कमिटमेंट दे। कुछ लोगों के लिए, कुछ लोगों के लिए द फूल का कार्ड था, सो मुझे लैक ऑफ कमिटमेंट भी यहाँ पे दिख रहा है। तो हो सकता है कुछ लोगों के लिए आपके पर्सन कुछ टाइम लगाए कमिटमेंट देने में, या फिर कमिटमेंट की बातें होने में बहुत टाइम लगे, बट विद द अबंडेंस कार्ड या कुछ लोगों के लिए आपके पर्सन आपको कमिटमेंट दे सकते हैं, ठीक है, या नहीं तो किसी न किसी तरह से आपके पास आके आपको अपनी फीलिंग्स बताएंगे, और आपको फॉरगिव करना है उन्हें, ठीक है, बिकॉज वो अपनी गलतियों को रियलाइज़ करके ही आपके पास आ रहे हैं। द सन का कार्ड है, वाओ, अबंडेंस का भी कार्ड है, द सन का भी कार्ड है। सो देर आर चांसेस कि आप लोगों की जो रिलेशनशिप है उसमें काफ़ी पॉजिटिविटी आने वाली है। द सन का कार्ड है, ठीक है। हो सकता है आपके पर्सन किसी क्रिएटिव फील्ड से हो, ठीक है, बिकॉज यहाँ पे पेंटर, पेंटिंग एंड एवरीथिंग इज हियर, ब्रशेस, कलर एंड द सन का कार्ड है। हो सकता है आप दोनों किसी क्रिएटिव फील्ड में वर्क करते हो, एंड या फिर हो सकता है आपके पर्सन क्रिएटिव फील्ड में हो, वी हैव ब्रशेस हियर ऑल्सो। नहीं तो ये भी है कि आपके लाइफ में अभी जो ब्लैक मोमेंट चल रहा है, जो बहुत नेगेटिव मोमेंट चल रहा है आप दोनों के रिलेशनशिप को लेके, या फिर हो सकता है कुछ लोगों के लिए आप लोगों ने अब एक दूसरे को एक्सप्रेस ही नहीं किया अपने फीलिंग्स को कभी, तो द सन का कार्ड है, काफ़ी पॉजिटिविटी आएगी। कुछ लोगों के लिए विद द सन कार्ड हियर ये भी नज़र आ रहा है, अगर आप मैरिड हो, वाइफ या हस्बैंड के लिए देख रहे हो, तो मुझे ये भी लग रहा है कि आपके लिए इन द नियर फ्यूचर चाइल्ड बर्थ हो सकती है। आपके लिए हो सकता है कि आपके लिए गुड न्यूज़ आने वाली हो, या फिर ऑलरेडी गुड न्यूज़ आ चुकी हो, तो इस चीज़ को लेके भी आपके लाइफ में काफ़ी अबंडेंस आएगी। जो मैरिड है उनके लिए बता रही हूँ कि आपके घर में खुशियाँ आ सकती हैं, गुड न्यूज़ आ सकते हैं, चाइल्ड बर्थ हो सकता है, ठीक है। एंड ये भी चीज़ मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है, तो इसके बाद भी काफ़ी चेंजेस आ सकते हैं आप दोनों के रिलेशनशिप में। थर्ड चक्र आर्कएंजल कैमियल, सो द थर्ड चक्र आर्कएंजल कैमियल ये बता रहा है कि आपके पर्सन अपनी सोलर प्लेक्सिस पे वर्क कर रहे हैं, या फिर डिवाइन उनको हेल्प करेगी वर्क करने में, काफ़ी अबंडेंस आएगी आपके लाइफ में, ठीक है ना। आपके पर्सन के लिए अगर आप कमिटमेंट के लिए देख रहे हो, तो बहुत सारे लोगों के लिए कमिटमेंट भी दे सकते हैं आपके पर्सन। आपके पर्सन अपने एनर्जी को अलाइन करने की कोशिश कर रहे हैं, पहले ही बताइए, अपने आप को चेंज करने की कोशिश कर रहे हैं, अपनी गलतियों को समझ रहे हैं, ठीक है, मुझे ये नज़र आ रहा है, बिकॉज उनकी एनर्जी काफ़ी ज़्यादा प्लेफुल रही हो, या फिर काफ़ी ज़्यादा केयरलेस रही हो आपको लेके, ठीक है। बट इन अभी इन द नियर फ्यूचर वो काफ़ी इस चीज़ को लेके दुखी है। वी विल टेक वन मोर कार्ड, द गार्डन एंड द गेट। वो बताया कि आपके पर्सन यहाँ पे आप बटरफ्लाइज नज़र आ रहे हैं, तो काफ़ी चेंज होंगे, वो इस चीज़ को लेके काफ़ी सैड हैं, उन्हें काफ़ी ज़्यादा रिग्रेट है, दुख है, एंड वो चाह रहे हैं कि आपको किसी ना किसी तरह से हैप्पी किया जाए, ठीक है। कुछ लोगों के लिए तो मैंने बता दिया कि चाइल्ड बर्थ हो सकता है आपके आपके कपल्स में, ठीक है, वाइफ हस्बैंड, आप लोगों को गुड न्यूज़ मिल सकती है, जो भी वो चीज़ भी आपकी रिलेशनशिप में काफ़ी अबंडेंस और पॉजिटिविटी लेके आएगी। हो सकता है आपके लिए चाइल्ड बर्थ के बाद अगर आप मैरिड हो और देख रहे हो स्टूडेंट को, तो काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिविटी और अबंडेंस आएगी, बिकॉज वी हैव द सन कार्ड हियर एंड द अबंडेंस कार्ड। सो आपकी रिलेशनशिप में या फिर आप लोगों की कमिटमेंट भी हो जाएगी, मैरिज भी हो जाएगी, और अगर आपकी इस पर्सन के साथ मैरिज होती है, तो काफ़ी अबंडेंस आएगी आपके लाइफ में, ठीक है ना।
यहाँ पे, और काफ़ी ज़्यादा ये पॉजिटिवली ट्रांसफॉर्म होगी आपकी रिलेशनशिप विद द सन कार्ड ईयर, ठीक है। आपको फॉरगिव करना है आपके पर्सन को, बिकॉज वो अभी आपसे माफ़ी मांगने की भी सोच रहे हैं, ठीक है। काफ़ी ज़्यादा सैड है क्योंकि उन्होंने आपको काफ़ी ज़्यादा दुख दिया है, हर्ट किया है। वी हैव द कॉम्प्लिसेंसी कार्ड ईयर, ये भी दिख रहा होगा आपको यहाँ पे, ये भी पर्सन सैड है, ये भी पर्सन सैड है। सो ये आपके पर्सन की करेंट फीलिंग है, ठीक है। चलिए हम और भी कार्ड्स से देख लेते हैं आपके लिए एंजेलिक गाइडेंस, यूनिकॉर्न आपको क्या बताना चाह रहे हैं आपके पर्सन से रिलेटेड, आपके रिलेशनशिप से रिलेटेड, वो कैसा फील करते हैं। प्लीज़ एंजेल्स हेल्प मी गाइड मी फॉर पार्ट नंबर टू, प्लीज़ एंजेल्स हेल्प मी गाइड मी टू, वी विल टेक वन सफल फॉर वन मोर टाइम। नाउ वी विल सी द साइलेंस। ओके, सो यहाँ पे भी दिख रहे हैं, यहाँ पे भी देख रहे हैं, दुखी है, दुखी है, एंड दिस पर्सन इज ऑल्सो वेरी सैड, अपने में है, काफ़ी दुख है, काफ़ी रिमोर्स है, काफ़ी मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है, ठीक है। और अगर आप आपने ये मूड बना रखा है कि मुझे इस पर्सन को माफ़ नहीं करना, अपने लाइफ में एंटर नहीं होने देना है, तो आपके लिए फॉरगिवनेस का कार्ड है एंड द सन का भी कार्ड है। आपको पास्ट को रिलीज़ करना होगा, ठीक है, बिकॉज आपके पर्सन इस चीज़ को के लिए रेडी कर रहे हैं अपने आप को कि वो अपने आप को सुधार कर सके, अपने अंदर जो भी नेगेटिव बिहेवियर रहा हो आपके आपको लेके, वो उस चीज़ को ख़त्म करना चाह रहे हैं, ठीक है। वो अपने ऊपर वर्क कर रहे हैं। और ये भी मुझे लग रहा है कि आपके पर्सन बहुत पैसे को लेके काफ़ी सीरियस रहते हैं, काफ़ी पेंटेगल्स की एनर्जी काफ़ी पैसे कमाने के ऊपर में फोकस रहते हैं। वी हैव वर्कहॉलिक कार्ड, ठीक है, काम करने के लिए, अपने लाइफ में अबंडेंस लाने के लिए, ठीक है ना, काफ़ी उत्सुक रहते हैं। और मुझे ये भी लग रहा है कि आपके पर्सन इस चीज़ को आप आके आपको एक्सप्लेन करेंगे कि भाई मैं आपको कैजुअली नहीं लेता हूँ, मुझे बहुत काम रहता था, लेकिन हाँ भाई मैं अब से आपको टाइम दूंगा या दूंगी, ठीक है। मुझे यहाँ पे 30 कार्ड नंबर भी नज़र आ रहा है और यहाँ भी 30 नज़र आ रहा है, सो आई थिंक यस 30 एंड 30, तो हो सकता है आप लोगों की एज 30 हो, आपके पर्सन की भी एज 30 हो, या 30 नंबर आपके लिए इंपॉर्टेंस हो सकता है। 30 तारीख को आपके पर्सन आके आपको कुछ एक्सप्लेन कर सकते हैं या एनीथिंग, 30 नंबर आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। तो आपके पर्सन कुछ लोगों को आके ये बता सकते हैं कि मैं वर्क में बिजी था, मुझे अपने लाइफ में स्टेबिलिटी लानी थी, तब मुझे आपको अपने लाइफ में एंटर करना था सो दैट कि आपको एक स्टेबल लाइफ दे सकूं, ठीक है। सो ये भी चीज़ मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है। फ्लाइट, लेट योर क्रिएटिव इमेजिनेशन फ्लाई, तो अगेन क्रिएटिविटी का कार्ड आया है, क्रिएटिव आ रहा है, तो लग हो सकता है आपके पर्सन काफ़ी क्रिएटिव हो और वो क्रिएटिव फील्ड में अपना करियर सेटअप करने में लगे हो, जिस वजह से आपको फील हो रहा हो कि मुझे टाइम नहीं दिया गया हो, या फिर आपको काफ़ी वो नेग्लेक्ट करते हो इस चीज़ को लेके और वर्क को प्रायोरिटी देते हो, ठीक है। हेल्प, द हेल्प यू नीड इज़ ऑन इट्स वे, सो कीप वॉचिंग फॉर इट, आपको वेट करना है, वॉच करना है, ठीक है। आपके पर्सन आएंगे और आपको इस नेगेटिव वाले सिचुएशन से निकालेंगे, बिकॉज वो अपनी गलती मानेंगे, आपको एक्सप्लेन करेंगे, क्योंकि यहाँ पे डेथ का भी कार्ड आया है। सो ये चीज़ है आपके लिए, मुझे ये मैसेजेस दिखी हैं दोस्तों, होप्स हो कि आपके साथ रेजोनेट की हो, आपको पता चला हो कि आपके पर्सन आपके बारे में कैसा फील करते हैं। बताइएगा कमेंट सेक्शन में कि आपके साथ कितनी रेजोनेट हुई है मैसेजेस, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दे, और इस मैसेज को आप दूसरे पर्सन के साथ भी शेयर कर सकते हैं, अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने फैमिलीज के साथ, ताकि उनकी भी हेल्प हो जाए। सो दोस्तों, हम मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय, नमस्ते, अपना ध्यान रखिए, बेस्ट ऑफ लक।